नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाराणसी में सैकड़ों विकास परियोजनाओं पर कार्य हो रहे हैं। यही नहीं, मोदी जी समय समय पर इन परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी करते रहते हैं, जैसा कि अभी 25 अक्टूबर को हुआ है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में भारत के मॉडल सिटी के रूप में उभर रहे वाराणसी में स्वयं मोदी जी के हाथों अक्टूबर 2021 में उद्घाटित हुए प्रोजेक्ट्स में से एक ऐसे प्रोजेक्ट की जानकारी देने व वर्तमान परिस्थिति दिखाने वाले हैं, जो काशी वासियों की जीवन शैली को तो ऊंचा करेगा ही, साथ ही वाराणसी में पर्यटन का नया केंद्र भी बनेगा। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी वर्ष 15 जुलाई के अपने आगमन के लगभग 3 महीने के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए, और हर बार की तरह इस बार भी काशी वासियों के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 28 परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया। वाराणसी में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित हुई परियोजनाओं की सूची तो बहुत लंबी है, जिसमें से अभी हम एक ऐसे विशेष प्रोजेक्ट की जानकारी देने वाले हैं जो काशी की छवि को परिवर्तित करने वाला है। बता दें कि काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ और गंगा की घाट के अतिरिक्त कुंड और तालाबों से भी है, जिनमें की दुर्गा कुंड, लक्ष्मी कुंड, पितृकुंड, पिशाच मोचन कुंड, संत कबीर प्रकट स्थल तालाब, दुधिया तालाब, रीवा तालाब, करौंदी तालाब, बकरिया कुंड, पहाड़िया तालाब, सूर्य सरोवर आदि सम्मिलित हैं। वाराणसी के इन तालाबों में से अधिकांश को अब पर्यटन का नया केंद्र बनाया जा रहा है, तथा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत वाराणसी के तालाबों को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया भी जारी है। जानकारी के लिए बता दें कि 18,96,00,000 रुपए की लागत से नगर के 8 कुंडों का सुंदरीकरण और संरक्षण का कार्य किया गया है। इनके अतिरिक्त एक और वाराणसी नगर के पौश इलाके में शुमार है चक्रा तालाब, जिसे कि 2.5 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट बनाया गया है। बता दें कि इसका वास्तविक नाम चक्र तालाब था, जो कि बाद में चक्रा तालाब के नाम से जाना जाने लगा। इस तालाब में पार्क के अतिरिक्त ओपन जिम, जॉगिंग ट्रैक, पाथवे, किड्स प्ले जोन, व्यूइंग एरिया, पेयजल के अतिरिक्त टॉयलेट बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त तालाब में फ्लोटिंग फाउंटेन भी लगाए गए हैं, जो कि दिन के साथ ही रात में भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। जानकारी के लिए बता दें कि नगर का पौश इलाका है सिगरा, जहां पर चक्रा नामक प्राचीन तालाब स्थित है, परंतु विगत कई वर्षों से इस पर भूमाफियाओं की नजर पड़ी और कचरा व मलबा डालकर तालाब के अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा था। अखबारों में प्रकाशित समाचार के पश्चात नगर निगम ने इसे संज्ञान में लिया, तथा स्मार्ट सिटी योजना से तालाब का सुंदरीकरण किया गया। लगभग 2.5 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं, और अब तालाब को देखकर हर कोई चक्कर खा जा रहा है कि आखिर यह वही तालाब है जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। वाराणसी स्मार्ट सिटी के अनुसार चक्रा तालाब का अस्तित्व खतरे में था। इसके चारों ओर गंदगी का अंबार था। इसे संरक्षित करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। चक्रा तालाब में रात के लिए विशेष प्रकार की लाइटिंग भी की गई है, तथा वाटर शावर भी लगाए गए हैं। वाराणसी में प्राचीन कुंड और तालाबों का नाम है, अर्थात कहीं तो महत्व है। इन्हीं में से एक है चक्रा तालाब, जिसका कि सौंदर्यीकरण किया गया है। सिगरा क्षेत्र में यह तालाब स्थित है। 25 अक्टूबर को स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बता दें कि इस तालाब के पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाया गया है। उसके साथ ही चारों ओर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, और विशेष प्रकार की लाइटिंग भी की गई है। इसमें बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। देख रेख ना होने के कारण से पहले पब्लिक यहाँ नहीं आती थी, परंतु अब यह बहुत ही अच्छा हो गया है। तो अब यहाँ पर कॉलोनी वासियों के अतिरिक्त सामान्य नागरिकों का यहाँ पर आना भी स्वाभाविक ही बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी शहर देश के लिए मॉडल के तौर पर उभर रहा है। यहाँ जल संचयन की दिशा में एक के बाद एक कदम आगे बढ़ रहा है। ऐतिहासिक व पौराणिक कुंडों, दुर्गा कुंड, लक्ष्मी कुंड, मछुदरी व कंपनी गार्डन आदि को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के पश्चात अब नमामि गंगे से 8 और स्मार्ट सिटी से बने एक तालाब ने आकार ले लिया है। कुल लगभग 22 करोड़ रुपए की राशि से ये 9 तालाब सज धज कर अब तैयार हैं। महत्वपूर्ण है कि पार्क, कुंड, तालाब आदि मानव बस्ती के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, परंतु भाग दौड़ के इस जीवन शैली में
वो मोबाइल व इंटरनेट आदि के कारणों से लोग अपने घरों में सिमट कर रह गए हैं, जिसके कारण से इन कुंड व तालाब जैसे धरोहरों पर भू माफियाओं की दृष्टि पड़ जाती है और मानव ध्यान केंद्र से बाहर होते ही कहें तो इन कुंडों की उपेक्षा होने से उनके अस्तित्व पर ही संकट आ जाता है। वास्तव में संकट इन कुंडों के अस्तित्व पर नहीं अपितु मनुष्यों के अस्तित्व पर होता है, क्योंकि यदि ये पार्क, कुंड, तालाब आदि मानव बस्तियों में नहीं रहे तो मानव जीवन को ही सबसे अधिक हानि होती है। बता दें कि हरियाली व जल संचयन का यह स्थान मानव बस्तियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्राचीन काल से ही सभी मानव बस्ती किसी न किसी नदी व सागर किनारे ही बसती रही हैं, और नगर के भीतरी भागों में ऐसे ही कुंड व तालाबों के ताने बाने में पूरा नगर बंधा रहता है, जहां पर व्यक्ति अपने परिवार व पड़ोसियों के साथ समय भी व्यतीत करता है और शारीरिक व्यायाम व योग आदि के लिए भी ये स्थान अत्यंत उपयुक्त होते हैं। महत्वपूर्ण है कि वर्तमान सरकार का ध्यान नगर की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के साथ ही इन छोटे परंतु पर्यावरण व मनुष्यों के भविष्य के लिए आवश्यक स्थानों के विकास पर भी पड़ा, जो न केवल भविष्य का निर्माण करेंगी अपितु नगर के प्राचीन व वास्तविक धरोहरों को संजोए इनको जीवंत भी रखेंगे। एक और जानकारी के लिए बता दें कि भले ही यहाँ पर इस पार्क का उद्घाटन हो चुका है पीएम मोदी के हाथों, परंतु अभी यहाँ पर कुछ कार्य शेष है, जैसे कि शौचालय आदि का निर्माण, जिस कारण से अभी यह पार्क आम जनता के लिए नहीं खोला गया है। परंतु जैसा कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भले ही इस पार्क में वर्तमान समय में मनुष्यों का आगमन नहीं हुआ है, अर्थात यहाँ पर आम जनता तो नहीं आई है, परंतु इस पार्क में लगे झूलों का आनंद यहाँ पर उपस्थित जो बंदर हैं या फिर जो जीव जंतु हैं वो पूरी तरह से बहुत अच्छे प्रकार से इसका आनंद उठा रहे हैं। और देखा जाए तो यह किसी न किसी प्रकार से अच्छा ही है, क्योंकि जब तक यहाँ पर मनुष्य नहीं आ रहे तो विज्ञान की भाषा में मनुष्य के वंशज ही सही उनका लाभ तो उठा रहे ही हैं। हम आगे भी ऐसे ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी की विशेष वीडियो की श्रृंखला आप तक लाते रहेंगे। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई वाराणसी के चक्रा तालाब की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो वह भी अवश्य बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।